लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में वोटिंग होनी है। इस वीडियो में जानेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कब चुनाव होने हैं। बात पहले महाराष्ट्र की। यहां कुल 48 लोकसभा सीट है, जिसके लिए 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। पांचवे चरण का मतदान 20 मई को होगा। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस दिन किस लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल, इस दिन रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर में वोटिंग होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल, इस दिन बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल वासिम, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, यहाँ वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई, इस दिन रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, हाथकरंगले में वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई, इस दिन नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, सिरडी, बीड में वोट डाले जाएंगे। पांचवा चरण 20 मई, इस दिन धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ यानी कि मुंबई में 20 मई को वोटिंग होगी। बात अगर गुजराती करें तो यहां सभी लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। यहां लोकसभा की कुल 26 सीट है, जिस पर 7 मई को वोटिंग होगी। अगर बात दिल्ली की करें तो यहां भी एक चरण में मतदान होगा। यहां सभी लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। बाकी इन 3 राज्यों में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, इस पर आप अपनी राय कमेंट कर बताइए।